हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर गुड प्रतीक पटेल फ्रॉम निप्टी मिली सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमने कल जो डिस्कस किया था उसको रिकैप करते हैं तो मैं आज रिकैप करूं उसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कमेंट में लिखिए कि हमने कल क्या डिस्कस किया था कि विच आर द दिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट विच इज़ द व वीकेस्ट एंड बैंक निप्टी में ऐसा क्या था जो हमें ऑब्जर्व करने को मिला था तो मैं कल का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी डिस्कस करूंगा समरी बट मैं चाहता हूँ कि कितने लोग Uh, अपना ऑब्ज़र्वेशन और अपना फोकस यहाँ रख के वीडियोस को देखते हुए देखना चाहता हूँ और कमेंट जरूर कीजिए आप कि आपको वो क्या ऑब्ज़र्व किया था आपने ठीक है so, सो सबसे पहले चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व किया था कि सबसे स्ट्रांगेस्ट है फिन निप्टी अगर आप देखेंगे फिन निप्टी आज वन प्लस हुआ है बैंक uh, निफ्टी हमने भी बोला था कि बैंक निफ्टी इज़ रिलेटिवली बेटर देन निफ्टी तो आज वो वन परसेंट अप हुआ है अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे यहाँ पे राइट right? देन उसके बाद निफ्टी अगर आप देखेंगे पॉइंट फिफ्टी टू परसेंट है तो अगर आप सोचो कल का वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था सबसे पहले स्ट्रांगेस्ट कौन है फिन निफ्टी तो सबसे हाइस्ट गेनर आज फिन निफ्टी है उसके बाद रिलेटिवली बेटर बैंक निफ्टी था तो बैंक निफ्टी वन परसेंट एंड देन निफ्टी इज़ पॉइंट फिफ्टी टू परसेंट सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन कि हमेशा ऑब्जर्व करो मार्केट गिव्स अस अ सिग्नल राइट हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है अगर मान लो आपको आज तेजी का व्यू था तो सबसे पहले आपको तेजी कहाँ करना चाहिए यू नो द आंसर अगर आज, आज आपको ख़राब लग रहा था बाजार तो आपको कहाँ करना चाहिए मंदी तो आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स कि अगर आज तेजी लगता है एग्जाम्पल तो आप क्या करते हैं अगर मंदी लगता है तो क्या करते हैं तेजी में तो आप बोलोगे फिन निफ्टी बट मंदी लगता है तो क्या करते हैं गिव मी द आंसर इन द कामेंट बॉक्स आई एम वेटिंग फॉर इट राइट तो लेट्स डिस्कस सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस करते हैं हम uh, आप देखेंगे निफ्टी ऑल टाइम हाई बार बार जाके आया आर वी रेडी फॉर द ऑल टाइम हाई तो सबसे पहले चीज़ मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी से पहले oh. बैंक निफ्टी कैन ऑल्सो हीट द ऑल टाइम हाई बिकॉज एज जिस तरह से स्ट्रेंथ दिखाया है आज तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी से पहले ऑल टाइम हाई आया जाए बट अगर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास जाएगी तो चांसेस है कि निफ्टी भी चली जाएगी राइट जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो गैप डाउन है उसको क्रॉस करे बाजार तो आज क्या हुआ गैप अप हुआ फिर नीचे गया उसका दो ब्रेकआउट किया लेट मी ओपन द फ्यूचर्स शैट तो आप लोगों को और ज़्यादा पता चलेगा आप देख रहे हो स्पॉट और फ्यूचर में क्योंकि डिस्काउंट और प्रीमियम का चेंजेस ये जो गैप डाउन था राइट right, वॉल्यूम के साथ आज बाजार ने लास्ट अवर में उसको रिजेक्ट किया है सो so, कल अगर मान लो बाजार यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और ये जो रिसेंट ये लो है अठारह हज़ार सात सौ तीस और सात सौ पचास उसको ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे कॉन्सोलेट करता है तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर द रिस्क और वो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी विल बी लुकिंग फॉर यू नो नियर टू ऑल टाइम हाई या अभी जो रिसेंट हाई या अब अठारह हज़ार नौ सौ बीस या अठारह हज़ार नौ सौ साठ सो बेसिकली निफ्टी का जो ब्रॉड ट्रेंड तेजी में था अभी माइनो ट्रेंड भी तेज़ी में अठारह हज़ार नौ सौ के ऊपर जैसे ही क्लोज देगा तो माइनो ट्रेंड भी तेजी में आ जाएगा राइट सो दैट्स द निफ्टी व्यू लेट सी द बैंक निफ्टी सो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि जो हमने ऑब्जर्व किया था कि निफ्टी ने जब नया लो बनाया तो बैंक निफ्टी ने एक भी बार नया लो नहीं बनाया और आज जैसे ही मार्केट स्टेबल हुआ उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा मूव दिया आई होप यू ऑल गॉट द अपॉर्चुनिटी जो हमने डिस्कस किया था लो रिस्क अपॉर्चुनिटी आपको एक यहाँ पर मिला था अभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो रिसेंट हाई है फोर्टी टू थाउजेंड और टू मोटा मोटी उसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन कर जाता है तो बैंक निफ्टी का ब्रॉड ट्रेंड तो तेजी में था माइनो ट्रेंड भी तेजी में आ जाएगा तो कल वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर मान लो यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है और उसके बाद सस्टेन करता है बैंक निपटी यहाँ और फिर ब्रेकआउट आता है तो आई कैन लुक फॉर द लो रिस्क लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अब शॉर्ट जब तक इसके नीचे नहीं जाता है बैंक निफ्टी तब तक शॉर्ट नहीं करना चाहिए वी शुड अवॉइड द शॉर्ट राइट सो आई होप इट इज़ क्लियर एंड बैंक निफ्टी आप देखेंगे ऑल टाइम आई से कितना नज़दीक है अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स अब जस्ट देखने की कोशिश करो जैसे आप कितने दिन तक नीचे लाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डेन और आज टू डेज में वो पूरा मूव खत्म कर दिया तो बायर आर स्ट्रोंग दैट प्रूवन और ये जो उस दिन का हाई है जो जहाँ से गैप गैप्टा बहुत बड़ा सेलिंग आया था बैंक निफ्टी में जो फोर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी और फिफ्टी है उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बैंक निफ्टी विल अगेन हिट द ऑल टाइम आए राइट लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी फिन निफ्टी आप देखेंगे हमने जी सर से ऑब्जर्व किया था ऑल टाइम आई ऑलरेडी हिट कर चुका है आजी राइट बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉंग फिन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी वॉज द फिन निफ्टी क्यों क्योंकि उसके दोनों ब्रॉड और माइक्रो दोनों ट्रेंड थे जी मेरे थे सो वॉट वी कैन एक्सपेक्ट है कि मान लो यहाँ पे कहीं पे नीचे में पुल बैक मिलता है और यहाँ पे एक सस्टेन करता है उसके बाद एक ब्रेकआउट करता है यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ राइट सो आई विल वेट फॉर अ कॉन्सोल्यूशन फॉर द फ्रेस एंट्री अगर मुझे इंट्राडे में कहीं पर फिन निफ्टी में करना है तो बट लुक द स्ट्रॉगेस्ट इज फिन निफ्टी तो अगर आपको लॉन्ग साइड देखना है तो आपको फिन निफ्टी को देखना चाहिए या बैंक निफ्टी को देखना चाहिए राइट टिल वी डज़ नॉट हैव अ न्यू लीडरशिप आप देख सकते हो यहाँ पे आज स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऊपर आया बट ये जो लेवल हमने बोला था आपको कि जहाँ से माइक माइनो ट्रेंड भी पॉजिटिव हो सकता है जो लेवल था दस हज़ार सात सौ अस्सी या आठ सौ का उसके आसपास गया बट वहाँ से क्रॉस नहीं किया है बड़ बट ये बड़ा जो सेल कैंडल था उसको आज स्मॉल कैप इंडेक्स ने क्रॉस करने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं हुआ तो टुमारो या डे अपर टुमारो दस से आठ सौ के ऊपर सस्टेन होता है तो वी कैन गो अगेन टू द ऑल टाइम आई राइट सो लेट सी हाउ स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल्सो परफॉर्म सो इसको ऑब्जर्व करते रहो आप स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज भी निफ्टी का आउट परफॉर्म किया और बैंक निफ्टी और फिर निप्टी का परफॉर्म किया है सो वी वॉन्ट अ स्मॉल कैप इंडेक्स टू कीप आउट परफॉर्मिंग आई होप यू आर लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ एज अ ट्रेडर सो so बेसिकली हमारा ये सीरीज शुरू करने का एक ही रीज़न था कि कैसे अपने आप को अलाइन करें मार्केट के साथ एंड आई होप यू ऑल आर अलाइनिंग विद द मार्केट एंड शेयर मी इन द कॉमेंट दैट हाउ दिस वीडियो सीरीज इज़ हेल्पिंग यू एंड कैसे आप बेटर बन रहे हो एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल नेक्स्ट वीक एंड डोंट फॉरगेट आज यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन में हमने एक डेली सीरीज़ शुरू किया हुआ है जो मैं आप लोगों को अभी शो करता हूँ लेट मी वन मिनट शो यू सो so, अगर आप देखेंगे हमने एक डेली सीरीज शुरू किया हुआ है जिसको हम चार्ट रिपोर्ट बोलते हैं तो पूरे दिन का आज क्या रहा आप देखेंगे कि आज क्या हुआ कौन सी मूवमेंट हुई कॉमोडिटीज़ में क्या मूवमेंट है इक्विटीज में क्या मूवमेंट है कितने सेक्टर अप थे कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा अप था आप देखेंगे जैसे यस्टरडे निफ्टी फार्मा वाज लीडिंग सेक्टर एनर्जी वाज फॉलिंग सेक्टर क्रूड ऑयल कितना प्लस हुआ तो इससे क्या होता है आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है करेंसी में क्या हुआ बिटकॉइन में क्या हुआ राइट देन यू ऑल्सो गेट आवर डेली वीडियोज़ जिसका आपको मेल आ जाता है जो डेली वीडियो जो अपडेट होता है वो भी आता है फिर चार्ट ऑफ द डे की आज का चार्ट ऑफ द डे कौन सा है जैसे कल एस था तो उसमें वो कंपनी क्या करती है और वॉट इज़ अ चार्ट पैटर्न राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू राइट और दूसरी चीज़ आज सबसे ज़्यादा जहाँ पर एक्टिविटी हुई जहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक मिल सकते हैं जैसे फार्मा हो गया सलोना हो गया तो ऐसी टॉप जो जहाँ पे टॉप गेनर्स है जहाँ पे बहुत मल्टीपल टाइम वॉल्यूम हुआ है तो वैसे स्टॉक्स को भी आपको लिस्ट मिल जाता है फिर एक ब्लॉग जो एक ब्लॉग ऑफ द डे मिल जाता है तो इफ़ यू वॉन्ट सच मेल एवरी डे इन टू योर मेल बॉक्स आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा सब्सक्राइब एंड यू विल गेट एवरी डे द मेल फ्रॉम आवर साइड थैंक यू सो मच सी यू ऑल अगेन